Good morning, student. Hope you have written question answers of chapter 9 in your chemistry copy. Today we'll start chapter 10, and this is your physics chapter. You write all answers and questions in your physics copy. Light, reflection and refraction from plane surfaces. प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे. इन क्लास 7th यू हैव डन सेवरल एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लाइट सोर्स, मिरर एंड ब्लैक पेपर. ऑल दोज एक्सपेरिमेंट वेयर डन विथ लाइट रेज. यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट कास्ट अ शैडो व्हेन इट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट रे. The properties of the shadow depend on the opacity of the object. Transparent object do not cast shadows. Class 7 में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें आपने एक लाइट सोर्स यूज़ किया है, मे बी कैंडल और सन, देन मिरर और ब्लैक पेपर, और आपने देखा कि उसका शैडो कहाँ आता है. यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट है, ऑपेक है, तो वो शैडो कास्ट करेगा, उसका आपको छाया, परछाया, उसकी परछाई आपको मिलेगी. बट यदि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है कांच के जैसा, तो उसको आपको परछाई नहीं मिलेगी. इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नाइदर ट्रूली ट्रांसपेरेंट नॉर ट्रूली ऑपेक. यदि हम वास्तवता में देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है या पूरी तरह से ओपेक नहीं होता है. मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं होता वो ऑब्जेक्ट आपका ओपेक होगा, और जिसमें से लाइट पास होगा वो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट होगा. व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ इट इज रिफ्रैक्टेड व्हाइल द रिमेनिंग इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट. जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आता है या इंसिडेंट होता है, तब उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट होता है, और कुछ पार्ट वो ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब कर लेता है. यू हैव ऑल्सो ऑब्जर्व बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट दैट लाइट ट्रेवल इन सिंपल स्ट्रेट पाथ. हमने वो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जिससे हमें पता चला कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. स्क्रीन को रखा था आपने, कैंडल को रखा था और मिरर रखा था, उसका इमेज देखा. मिरर को आप इधर उधर कर दोगे तो क्या हो गया था, और वो होल किया था उसको, एक पर्टिकुलर होल से आप लाइट को क्या किए, पास किए थे. तो आपने देखा कि लाइट ट्रैवल इन अ सिंपल स्ट्रेट पाथ. इज दिस द रीज़न वाई वी कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन अदर रूम. यदि लाइट सीधा ही चलता है तो इसीलिए हमें दूसरे रूम में क्या रखा है वो नहीं दिखता है, क्या ये रीज़न है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस. प्लेन सरफेसेस पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, इसी को हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. वी विल रिप्रेजेंट अ लाइट रे विद अ सिंपल लाइन एंड स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड इमेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वी शैल यूज ज्योमेट्री टू फाइंड द पोजिशन, शेप एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट बिफोर दैट लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ शेडो. इस चैप्टर में हम लोग प्लेन सरफेस के द्वारा लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है या लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है, और वो कैसे शैडो को यानी परछाई फॉर्म होती है या इमेज हमें मिलती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उस डायग्राम में डेफिनेटली हम ज्योमेट्री यूज़ करेंगे. बट ये सब पढ़ने के पहले हम लोग एक बार फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि परछाई कैसे तैयार होती है या आपको परछाई किसी ऑब्जेक्ट की कैसे मिलती है. सिंपल एक्सपेरिमेंट इज गिवन हियर. व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, यहाँ पे कैंडल, और उसका शैडो
स्क्रीन पे, स्क्रीन आप कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, प्लेन वाइट पेपर, उसमें भी आपको उसका क्या दिखेगा, शेडो दिखेगा। और बीच में डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, कोई प्लेन सरफेस आपको रखना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी इमेज फॉर्म हो सके। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ पेंसिल, या फिर आप सन को भी यूज़ कर सकते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ पेंसिल, इंसर्ट द पेंसिल परपेंडिकुलर इन पीस ऑफ पोटैटो। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पेंसिल लेना है और आपको लाइट सोर्स के लिए यहाँ पे कैंडल दिया हुआ है, और इस पेंसिल का शेडो आपको स्क्रीन पे कैसे मिलता है वो देखना है। इसके लिए आपने क्या किया, कैंडल और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस को दिया है डी नॉट या डी ज़ीरो, और पेंसिल और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हमने दिया है डी एस। सी डी ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड डी एस दैट एस फॉर शेडो। ओके, देन दिस डी ओ मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइट सोर्स एंड डी एस मीन्स डिस्टेंस ऑफ शेडो फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज पेंसिल, लाइट सोर्स इज कैंडल, क्लियर। इंसर्ट अ पिन एट अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर बिलो द हेड ऑफ अ पेंसिल। आपको क्या करना है, इसमें एक अल्पिन को इंसर्ट करना है एट अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर बिलो द हेड ऑफ अ पेंसिल। आपके जो पेंसिल का ऊपरी हिस्सा है उससे 10 सेंटीमीटर आप नीचे आओगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेंसिल का हेड है, उसके ठीक 10 मीटर नीचे आके आपको एक अल्पिन को पेंसिल में इंसर्ट करना है, क्लियर। द पिन शुड बी अटैच परपेंडिकुलर यूजिंग ग्लू और वैक्स। अब ये पेंसिल में ये अल्पिन नहीं चाहती है तो आप यहाँ पे ग्लू लगा दीजिए या वैक्स लगा दीजिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेडो वेरिंग द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स एंड स्क्रीन फ्रॉम द पेंसिल। और फिर आप क्या करेंगे, इस जो शेडो है पेंसिल का फॉर्म हो रहा है उस स्क्रीन पे उसको आप देखोगे और डिस्टेंस को चेंज करते जाओगे। कौन सा डिस्टेंस, एक तो लाइट सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस आप चेंज करोगे, या स्क्रीन को आप पास लाओगे, स्क्रीन को आगे ले जाते। तो कि मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन और आप लाइट सोर्स को मत हिलाओ, आप ऑब्जेक्ट को खाली मूव रोटेट, मतलब वहीं पे आप उसको क्या करो, आगे पीछे करोगे तो आपको शेडो जो है अलग प्रकार की मिलती जाएगी। अब हमें क्या मिल रहा है उस शेडो में हम देखते हैं। इफ़ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द पेंसिल, हम यदि डिस्टेंस क्या करते हैं, कम कर देते हैं लाइट सोर्स और पेंसिल के बीच का, मतलब कैंडल के पास में रख देते हैं, और वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पेंसिल, देन वी विल ऑब्जर्व दैट साइज ऑफ द शेडो इंक्रीजेस। हमने देखा कि जैसे ही स्क्रीन से आपका ऑब्जेक्ट दूर भाग रहा है तो आपकी जो पेंसिल है या ऑब्जेक्ट है उसका शेडो जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बड़ा आपको शेडो मिल रहा है, उसकी परछाई पेंसिल की बड़ी मिल रही है जब वो स्क्रीन से दूर है। ऑन कीपिंग द पेंसिल एंड द स्क्रीन फिक्स एंड ब्रिंगिंग द सोर्स नियर इट, वी विल फाइंड दैट शेडो लेंथ इंक्रीजेस। शेडो की आप साइज इंक्रीज कब होती है, जब वो स्क्रीन से दूर है। अब आपने क्या किया, स्क्रीन और पेंसिल का डिस्टेंस फिक्स रखा और आपका जो कैंडल लाइट सोर्स था उसको आपने पास में लाया। जैसे ही लाइट सोर्स पास में आया तो शेडो लेंथ क्या हो गई आपकी, उसकी लंबाई बढ़ गई, साइज नहीं बढ़ा, लंबाई बढ़ी। If we keep the pencil and source fixed and move the screen away, then the size of the shadow increases and it decreases when we move screen close to the pencil. जैसे ही आपका स्क्रीन ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही स्क्रीन क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो शेडो की साइज इंक्रीज होगी। और आप लाइट सोर्स को पास में लाओगे तो उस शेडो की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। द रेशो बिटवीन द साइज ऑफ द शेडो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शेडो एंड सोर्स,
अब हमें रेशो लेना है किसका, साइज ऑफ द शैडो, जो इमेज आपको स्क्रीन पे मिली है उसका साइज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शैडो एंड सोर्स, मतलब आपका स्क्रीन और आपका कैंडल इसके बीच का डिस्टेंस, इज इक्वल टू रेशो ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पेंसिल का साइज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, और पेंसिल और कैंडल के बीच का डिस्टेंस, ये इक्वल होता है। अब हम इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, आपके ऑब्जेक्ट की लंबाई और ऑब्जेक्ट और कैंडल के बीच का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द शैडो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सोर्स, सोर्स आपका क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल है, तो शैडो स्क्रीन और कैंडल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सोर्स, और लेंथ ऑफ शैडो, ये कैसे आते हैं, हमेशा इक्वल आते हैं। सपोज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h, डिस्टेंस हमने देखा था डी ओ था ऑब्जेक्ट के लिए, और लेंथ ऑफ शैडो आपको मिली h डैश अपॉन डी एस, तो आप शैडो की लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो h इंटू डी एस हो जाएगा अपॉन डी ओ। यूज़ द अबव एक्टिविटी टू फिल द फॉलोइंग टेबल, अब आपको इस फॉर्मूला के मदद से इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ शैडो यूजिंग फॉर्मूला, एच डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज गिवन टू यू, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ये तो चेंज नहीं होगा उसका साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ एच इज गिवन टू यू, इसमें एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डी ओ और डी एस, तो एच इंटू डी एस अपॉन डी ओ, तो 10 इंटू 10 अपॉन 20 मीन्स 5 आएगा यहाँ पे, 10 इंटू 10 अपॉन 20, यहाँ पे डी एस का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे, यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी एस हियर एंड यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डी ओ, नाउ डी ओ इज 20, डी एस इज 10, 10 इंटू 10 100 बाई 20 मीन्स 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। शैडो साइज ऑफ द शैडो यूजिंग फॉर्मूला, सेम यू राइट हियर 5 सेंटीमीटर, देन अगेन यू डू द सेम थिंग, 20 बाई 20 कट आउट, देन 10, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कट जाएंगे तो क्या आएगा, 10। इस तरह से आप ये पूरा टेबल क्या करोगे, फिल करोगे। इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर बाय रिफ्लेक्शन, अब पहली एक चीज़ आप समझिए कि रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक ही मीडियम का ज़रूरत होता है, राइट, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना वी कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मिरर आपने लिया है और सूरज की किरणें उसके ऊपर आई और फिर वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो गई, दूसरे पाथ में चली गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। When light incident on a surface, it get reflected back in the same medium. That phenomena we call reflection. Any plane and shiny surface work as a plane mirror. कोई भी plane और shiny surface plane mirror का काम करेगा. Plane mirror consists of a thin layer of silver sand, sandwiched between a transparent glass on one side and protective painting paint coating on the other side. आपका जो मिरर है ना, ये कैसे बनता है, ये ग्लास का ही एक क्या होता है, छोटा सा पीस होता है, इसको पीछे साइड से क्या करते हैं, सिल्वर का कोटिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या लगाते हैं, पेंट कर देते हैं। सिल्वर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, अब सिल्वर का कोटिंग क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर क्या है, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। वाई वी आर यूजिंग सिल्वर हियर, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सो इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द मिरर, और वही सिल्वर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है आईने में।
सामने वाला आपका पॉलिश बैक सरफेस प्लेन मिरर का रहता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है आपका सिल्वर मिरर का, मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग रहता है। एंड वाई वी आर यूजिंग सिल्वर, बिकॉज सिल्वर इज़ गुड रिफ्लेक्टर। सिल्वर क्या है, एक गुड रिफ्लेक्टर है। अब इस लॉस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इससे रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट भी इस साल करना है, प्लेन मिरर एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट यू हैव रिटन इन योर प्रैक्टिकल कॉपी। नाउ सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। आपका इंसिडेंट रे है नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों भी कैसे हैं, सेम प्लेन में आते हैं। दिस लॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंस पॉइंट। जिस पॉइंट पे मिरर के लाइट क्या होता है, फॉल होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेयर अ लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और उस पॉइंट से हम एक जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है नॉर्मल लाइन। रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एज द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों भी उसी नॉर्मल के अगर दोनों साइड होंगे, मतलब दे लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे इज शोन इन रेड कलर एंड नॉर्मल प्लेन इज शोन इन येलो कलर। नाउ यू सी इन द फिगर, रेड कलर इज योर इंसिडेंट रे एंड ब्लू कलर इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी हैव ड्रॉन अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट दैट वी कॉल नॉर्मल, एंड ऑल दिस थ्री दे लाई इन सेम प्लेन। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखोगे तो तीनों भी एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ये आपका प्लेन है पूरा, इसी प्लेन में ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आ रहे हैं। दिस इज योर सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल करता है, वही एंगल वो रिफ्लेक्टेड रे भी आपको दिखाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ वी रोटेट द मिरर एज शोन बिलो, देन व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल लाइन। यदि हम इसको क्या करेंगे, मिरर को रोटेट करेंगे, तो उसके नॉर्मल पे यानी जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर क्या असर होगा। देखो इसको रोटेट किया हमने, ये प्लेन वन था, फिर प्लेन टू आया, फिर आपका प्लेन वन, प्लेन टू था और प्लेन वन, यहाँ पे नॉर्मल जो है इसके ऊपर क्या असर हुआ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, ग्लू अ मैच स्टिक टू अ प्लेन मिरर। नाउ रोटेट द मिरर एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैच स्टिक। यहाँ पे देखोगे आप तो मैच स्टिक लगा के आप इसका डायरेक्शन देख सकते हो। यहाँ सीधा था तो ये कैसा हो गया, प्लेन टू में ठीक उसके अपोजिट हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। इसका डायरेक्शन क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। मिरर को रोटेट करोगे तो डेफिनेटली नॉर्मल में भी असर होगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रेज। यदि आप मिरर को रोटेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे पे भी उसका असर आएगा। इफ़ वी रोटेट द प्लेन मिरर बाय 35 डिग्री, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन मिरर। नाउ एंड हाउ मच एंगल रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट। अ लाइट रे फॉल ऑन अ मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद अ नॉर्मल ए बी। अब हम बात करते हैं कि 52 डिग्री का एक एंगल है जो कि उस एंगल से कोई भी लाइट उस मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। अब एट द पॉइंट ओ वी हैव ड्रॉन अ नॉर्मल, ओ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नाउ कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, अब हमने क्या किया, इस एंगल को 52 डिग्री एंगल को फिक्स कर दिया, ठीक इसको फिक्स कर दिया आप सेकेंड इसमें देखो, और मिरर को आपने रोटेट किया बाय 35 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा था ये आपका क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ मिलेगा, इसका एंगल चेंज होने की वजह से नॉर्मल भी चेंज हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपका चेंज हो गया, बट एंगल सेम रहेगा।
जितना एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि पहला लॉ हमें वही बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर का वैल्यू सेम आएगा। मिरर को आप रोटेट करने की वजह से नॉर्मल का डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो गया है। इतने डिग्री से आपने रोटेट किया, 35 डिग्री से, तो यह डेफिनेटली 35 डिग्री से क्या हो गया है, नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो गया है। द नॉर्मल ऑल्सो गेट रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, और ये जो चेंज हुआ उसका एंगल को सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है आपका थीटा। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, नाउ न्यू पोजिशन ऑफ द मिरर एंड नॉर्मल ए डैश बी डैश, ये आपका नॉर्मल ए डैश बी डैश एंड ओ एन डैश, ये ओ एन और ओ एन डैश, ये आपको दिख रहा है, ये मिरर है आपका ए डैश बी डैश और ये ओ एन डैश आपका नॉर्मल का चेंज किया हुआ पोजिशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डेफिनेटली डिक्रीज होगा, आपने रोटेट किया उधर ही साइड तो पहले कितना था 52 फिर 35 हो गया। नाउ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इस कंडीशन में ऑन मूविंग बाय 35 डिग्री, तो 52 माइनस 35 जो आएगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पहला 52 था, फिर आपने उसको रोटेट किया माइनस 35 17 डिग्री, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा 17 डिग्री। डिफरेंस कितना आएगा दोनों एंगल के बीच का, तो दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस आएगा 70 डिग्री का, और अवर न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा उसके डबल हो गया, तो 270 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 35 डिग्री, 35 डिग्री से आपने रोटेट किया ना उसको, तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया 70 डिग्री। न्यू नॉर्मल से जो एंगल आया वो कितना है 17 डिग्री। आपको पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना है 52 डिग्री, रोटेटिंग द मिरर बाय 35 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड एंगल इन न्यू कंडीशन 70 डिग्री। व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय 2 थीटा। इससे हमें पता चला कि जब प्लेन मिरर हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, मतलब जितने भी एंगल से रोटेट करते हैं, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है ठीक उसके डबल एंगल से रोटेट होता है। मतलब आपने 35 डिग्री से रोटेट किया है तो 2 × 35 आपका न्यू रिफ्लेक्ट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इन न्यू कंडीशन क्या आएगा आपका, पहले तो 17 डिग्री फिर उसके बाद आएगा 70 डिग्री। आप लिखोगे इसमें एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है, आप अलग अलग इससे रोटेट करोगे, पहले 52 का तो लिख दो, रोटेटिंग बाय मिरर 35 डिग्री और यहाँ पे आएगा 70 डिग्री, फिर 35 की जगह 52 की जगह आप दूसरे दो रीडिंग्स ले लो, एक बार 40 ले लो एक बार 45 ले लो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर, यहाँ पे आप 40 डिग्री ले लो, रोटेटिंग मिरर 30 डिग्री ले लो, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 25 डिग्री। कंसिडर ऑब्जेक्ट ओ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका प्लेन मिरर में इमेज कैसे मिलेगा। कंसिडर ऑब्जेक्ट ओ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। आपने ऑब्जेक्ट ओ लिया है जो ब्लैक कलर का आपको बॉल जैसा दिख रहा है, दैट इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड यू मेंशन इट एज ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड एट द मिरर। जो भी इस पे लाइट आ रहा है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, सपोज वी हैव टेकन बॉल, तो जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कहाँ पे, मिरर पे। तो ये लाइट जो मिरर पे आ रहा है वो क्या है, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड एट द मिरर एंड व्हेन वी लुक थ्रू अ मिरर इट अपीयर एज इफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट आई। और जब हम मिरर्स में देखते हैं
उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज तो हमें लगता है ये मिरर के पीछे से कहीं तो भी आ रहा है, जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने ही रखा है। आई इज़ द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ओ, तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये आई है, जहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी इमेज आ रही है। और सच इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ये झूठी इमेज है, ऐसे लग रहा है एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो इधर है आपका। वर्चुअल इमेज कैन बी ड्रॉन बाय प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्टेड रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन टिल दिस रेज मीट एट अ पॉइंट, और इस तरह से इमेजेस जो है ड्रॉ करने के लिए हमें डॉटेड लाइन, या हम बोल सकते हैं कि जो भी आपके रिफ्लेक्टेड रेज है उसको पीछे साइड एक्सटेंड करोगे और जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहे हैं वहीं पे हमें क्या मिलेगी, वर्चुअल इमेज। द रिफ्लेक्टेड रेज रीचिंग अवर आईज अपियर टू इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज आई इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द मिरर। अब आपको यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और मिरर का, वही सेम डिस्टेंस पे आपको ये उसकी इमेज मिल रही है, बट कहाँ मिल रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर। और इसको हम ज्योमेट्री के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। टिल देन यू कंप्लीट दिस टेबल, ड्रॉ द टेबल इन योर फिजिक्स कॉपी। थैंक यू।